वी रियलाइज कि इस पिक्चर की यूएसपी ये है जो हमने ना हमने पहले भी बोला है कि ये जो जॉम्बीज है पिक्चर के, ये आपको डरा देंगे एंड दे विल स्केयर यू एंड ब्रिंग यू टू द एज ऑफ योर सीट. तो तुम्हें अपने सीट के एज तक ले आएंगे और जो ह्यूमर है तुम्हें हंसा हंसा के उसे गिरा देगा. सो इट्स अ ज़ॉम्बकॉम, इट्स अ न्यू जॉनर एंड वी वेरी हैप्पी दैट वी मेड अ जॉनर डिफाइनिंग फिल्म. एंड वॉट इज़ वेरी हार्टनिंग इज यू नो के एवरीवन हैज गिवन दैट काइंड ऑफ रिएक्शन टू इट्स फर्स्ट लुक, यू नो विच सेज एग्जैक्टली दैट. एंड हम अभी किसी से बात कर रहे थे जिसने हमें बताया कि यू नो जो उनके ऑडियंस का अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, दे रियली लव द ट्रेलर. सो यू नो इवन द रेगुलर मूवी गोअर्स आर रियली लाइकिंग द ट्रेलर एंड दैट इज हार्टनिंग. एंड आई होप वीव जस्ट फाइनलाइज द कट एंड वी वेरी हैप्पी विद द वे इट शेप्ड अप एंड होपफुली दे विल लाइक द फिल्म एज मच एज द ट्रेलर. अदर गुड थिंग इज कि पिक्चर में जो भी एक्टर्स है, सब लोग जो भी काम कर रहे हैं, एवरीबडी इज वेरी एक्साइटेड अबाउट वॉट दे आर डूइंग. लाइक जो एक्टर्स है वो उनको अपने अपने रोल इतना अच्छा लगता है, उनका अपने अपने लाइन्स के लिए ऑप्शन से आते हैं, और म्यूजिक कंपोजर्स जो है वो हर दिन एक नया आइडिया से आ रहा है. सो एवरीबडी इन द फिल्म इज़ वेरी एक्साइटेड बिकॉज आई थिंक समवेयर एवरीबडी इज थिंकिंग दिस इज सो डिफरेंट, दिस इज सो गुड, सो रिफ्रेशिंग करके. It's set in Goa and we go to Goa. काफ़ी रिलेटेड है गोवा से. फिल्म का स्टोरी ये है कि गोवा जॉम्बी से भर जाता है और उसकी वजह से गॉन हो जाता है. वेरी मच अ गोवा फिल्म. We had a great time actually. I think I couldn't have asked for better co-stars in this film. और जो लव हार्दिक और बनी, आई प्ले हार्दिक, ही इज लव एंड ही प्लेज बनी, इन तीनों की केमिस्ट्री जितनी स्क्रिप्ट में लिखी गई थी, आई थिंक इम्प्रोवाइजेशंस करके और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करके, वी हैड अ ग्रेट टाइम एंड आई थिंक आवर डायरेक्टर्स आर हैप्पी विद व्हाट दे सॉ. और अब यही आशा करते हैं कि लोगों को भी इस केमिस्ट्री में मजा आए. इनफैक्ट एक गाना है स्लोली स्लोली जिसकी शुरुआत है एक मॉन्टाज जहाँ पर हम गोवा में जा रहे हैं, स्कूटर पे हैं, समुंदर में हैं. दैट्स एक्चुअली दो दिन जब हमने सिर्फ दो छोटे कैमराज लेके हमने घूमा गोवा में, पार्टी किया, तो वो एक्चुअली मूवी का शूटिंग नहीं था, हमने बस मस्ती की कैमराज ऑन थे. So that's the kind of vibe it was. ये पोस्टर में आप देखिए कि इस फिल्म में जो सबसे बड़ा सवाल इन लोगों के, तीनों लड़कों के पास आता है, वो ये है कि ये ज़ॉम्बीज़ मरते ही नहीं, ये हमें खाना चाहते हैं लेकिन हमारे से मर नहीं रहे. और फिर सैफ का कैरेक्टर आता है और हमें बताते हैं कि ये किस तरह से मारे जाते हैं. सो उसकी एक झलक. आई थिंक गो गोवा गॉन इज वंडरफुल. आई थिंक सीक्वल शुड बी गो न्यूयॉर्क गॉन, फिर थोड़ा गो सिडनी गॉन, थोड़ा ट्रैवलिंग लास वेगास गॉन, वो भी होना चाहिए थोड़ा. लूना एक काफ़ी सिंपल लड़की है हु हैज़ माइंड ऑफ हर ओन. एंड जैसे उसकी अभी कॉलेज की छुट्टियां हुई हैं और वो भी अपने दोस्तों के साथ गोवा जाती है छुट्टियों के लिए. और सूनर लेटर शी रियलाइज कि यू नो शी मीट्स हार्दिक, लव एंड यू नो एंड देन हाउ दे रन अराउंड एंड मीट ज़ॉम्बीज एंड द फ्रेंडशिप रिवॉल्व्स अराउंड सेविंग ईच अदर एंड बिकमिंग फ्रेंड्स. बहुत डिफरेंट है क्योंकि फालतू का फोकस था वो एजुकेशन सिस्टम पे था, इसका फोकस जो है वो टोटली टोटली डिफरेंट जॉनर. फर्स्ट टाइम वी आर इंट्रोड्यूसिंग ज़ॉम्बी फिल्म. सो इट्स टू सेपरेट फिल्म ऑल टुगेदर.